राष्ट्रीय स्वरोजगार विद्यालय प्रबंधक संघ गोरखपुर इकाई की बैठक नेपाल रोड स्थित एक होटल में आयोजित की गई। बैठक के मुख्य अतिथि के रूप में संघ के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर गोस्वामी गौरव भारती, विशिष्ट अतिथि प्रदेश उपाध्यक्ष राजेश सिंह, प्रदेश प्रवक्ता रवि कांत मणि त्रिपाठी, राणा प्रताप सिंह सहित अन्य लोग मौजूद रहे। बैठक में निजी स्कूल प्रबंधकों को विगत 7 माह से कोरोना महामारी के कारण बंद स्कूलों में आर्थिक दुश्वारियों से निपटने के विषय पर गहन चर्चा विचार विमर्श किया गया, जिसमें सर्वसम्मति से कई प्रस्ताव पारित किए गए। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए संघ के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर गोस्वामी गौरव भारती ने कहा, आप थोड़ा कम समय में मन पे आसीन उससे थोड़ा सा मैं उसको खाली, लोगों ने कहा ऐसा ना, आप रोजा से हैं तो दिल को नहीं तोड़ेंगे। कोरोना से पहले भी क्या करता है, सुबह जगाने का काम करता है, तो विद्यालय जो है जगा चिल्ड्रेन अकेडमी, बाप महिंद्र कॉलेज, लक्ष्मी इंद्र कॉलेज, नेशनल कला अकेडमी, तमाम विद्यालयों को मैं दे रहा हूं। हमारे गौरव जी का भी विद्यालय है, इनकी भी मान्यता बहुत पुरानी, और नोटिस आ रहा है कि विद्यालय की मान्यता खत्म, आगे दिक्कत हो ना। मैं डॉक्टर गोस्वामी गौरव भारती, प्रदेश अध्यक्ष राष्ट्रीय स्वरोजगार विद्यालय प्रबंधक संघ। आज निजी स्कूल प्रबंधकों की बैठक की जा रही है। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य है कि जो 7 माह से कोरोना काल के कारण हमारी स्कूल बंद है, उनके सामने भीषण आर्थिक स्थिति का सामना करना पड़ रहा है। हम अपने शिक्षकों को उनको वेतन नहीं दे पा रहे हैं, भारी भरकम बिजली बिल है जो कमर्शियल है, हमारे एक भी लाइट नहीं जलती है, किंतु हमें वो देना के लिए आदेश हुआ है। हमारे वाहन जो लाखों रुपए के मंथली लोन पर हैं, और उन लोन के पैसे जब स्कूल बंद हैं तो हम कहाँ से चुकाएंगे। फिर हमारे बहुत से विद्यालय किराए पर संचालित हैं, जो सरकार के निर्देशों का पालन करते हुए किए गए हैं, उनके भारी भरकम किराए आ रहे हैं, और सरकार ने जबकि निर्देश दे रखा है कि स्कूलों में फीस ली जाए, पर हमारी गरीब जनता इतनी त्रस्त हो चुकी है कि उनके पास खाने को पैसे नहीं, वो फीस कहाँ से देंगे। और फीस न देने की स्थिति में आज हमारे शिक्षकों, कर्मचारियों, चाहे वो दाई हो, चाहे चपरासी हो, चाहे वो ड्राइवर हो, सबके सामने भुखमरी की स्थिति आ गई है। और उनके साथ साथ हमारे जो प्रबंधक बंधु हैं वो भी लज्जित हैं, वो भी अब उनका सामना करने से डर रहे हैं, क्योंकि उनके सामने स्वयं भुखमरी की स्थिति आ गई है। इसी पर हम लोग विचार विमर्श कर रहे हैं कि आगे हम सरकार से किस प्रकार से सहयोग ले सकते हैं, और कौन से कार्यक्रम हम करके सरकार के पास अपनी बातों को रखें, और क्या क्या हम सहयोग के लिए उनसे कह सकते हैं। तो कुछ मिलना बनाए, कुछ मांग होगी सरकार की आपसे? जी, सरकार से हमारी मांग है कि हमारे शिक्षकों को कम से कम जो न्यूनतम मानदेय है, उस मानदेय के अंतर्गत हमारे जब से कोरोना काल से स्कूल बंद है और जब तक नहीं खुलते हैं तब तक उनको मानदेय दिया जाए, हमारे कर्मचारियों को मानदेय दिया जाए, हमारे स्कूलों के बिजली बिल को पूर्णतः माफ़ किया जाए, और जो स्कूल के वाहन हैं उनके लोन हुए, इंश्योरेंस हुए, अदर जो टैक्स लगाए जाते हैं उसको 1 साल के लिए बढ़ा दिया जाए, और जो किराए के भवन हैं उन किरायों की क्षतिपूर्ति के लिए सरकार कुछ सहयोग करे। आगे क्या रणनीति, बैठक के बाद क्या रणनीति? बैठक के बाद हम लोग माननीय मुख्यमंत्री महोदय से मिलकर अपनी समस्याओं को रखने का प्रयास करेंगे ज्ञापन के माध्यम से। आज भी हम लोग कुछ चर्चा करेंगे कि किस डेट में हम लोग माननीय मुख्यमंत्री महोदय के पास अपनी समस्याओं को रखें।